वेब टीवी ओनर्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर केक कटिंग सेरेमनी का इनाकात किया गया। लाहौर में WTO के सेक्रेटेरिएट में होने वाली तकरीब में WTO के अहदेदारों और उनकी फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की और नहायत सादगी से मनाई गई इस तकरीब को यादगार बनाया। WTO के चेयरमैन आसिम अमीन, सदर मलिक गजनफर आवान, सेक्रेटरी जनरल सैयद फातिह शाह ने मुअज्जिज़ अहदेदारों और मेहमानों के साथ जश्न आज़ादी का केक काटा और तहरीक पाकिस्तान के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन आसिम अमीन ने पाकिस्तान के हसूल के लिए कौम के लाखों जानिसारों की कुर्बानियों को याद रखने और पाकिस्तान को कायदे आज़म और इकबाल का पाकिस्तान बनाने पर जोर दिया। मैं खास करके ख़ास तौर पर उन शहीदों को सलाम पेश करता हूँ जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमें ये पाकिस्तान जैसा खूबसूरत तरीन मुल्क मिला और हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए जितनी भी हो सके दुआ करनी चाहिए जिनकी जद्दोजहद से आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं। WTO के प्लेटफॉर्म से सहाफ़ी बरादरी के लिए ग्रां कदर खिदमात के अज़्म का इआदा किया। सदर मलिक गजनफर आवान ने इकबाल के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने का पैगाम दिया और WTO के स्लोगन आगे बढ़ना है दोस्तों का नारा बुलंद किया। वाज़े किया कि पाकिस्तानी कौम पाक सरजमीन का तहफ्फुज़ करना जानती है। मीडिया समेत हर मैदान में पाकिस्तानी कौम मुसलसल काविज़ से रोशन मुस्तकबिल की नवीद लिए हुए है। WTO के झंडे तले आज के यादगार दिन की मुनासबत से वेब चैनल्स का मुस्तकबिल भी रोशन बनाने में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। आज पूरी कौम पाकिस्तानी जो कौम है वो कैद आज़म और अलामा इकबाल का जो ख्वाब का पाकिस्तान है उसकी आज 74वीं सालगिरह मना रही है। पूरी कौम जश्न मना रही है। हम अपनी कौम को मुबारकबाद देते हैं। तो इसी हवाले से आज WTO ने अपनी फैमिली के लिए, अपने मेम्बर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए जश्न का अहतमाम किया है और WTO जो सेक्रेटेरिएट है हमारी 60 वेब टीवी चैनल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ज़ेरे तमाम WTO सेक्रेटेरिएट में आज जश्न आज़ादी की केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। सेक्रेटरी जनरल सैयद फातिह शाह ने मौजूद मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा किया और अपने खूबसूरत अशार की सूरत वतन अजीज की शान बयान की। मैं आपके तवस्सुत से अपनी तमाम WTO ऑर्गेनाइजेशन और मेम्बरान की जानिब से आज की इस पुरवकार तकरीब में शमूलियत पर शुक्रिया अदा करता हूं और जो लोग हमें आपके तवस्सुत से, आपके चैनल्स के तवस्सुत से देख रहे हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इसी तरह से ये दिन आज का दिन मुतकाजी है इस बात का कि हम पुरअज़्म होकर अपनी कौम को मुजतमे करें, इकट्ठा करें जैसे भी हालात हों लेकिन हमें अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए सोचना है। मेरे शेर के मुताबिक कि मेरे वतन तू मेरा आखिरी हवाला है, मेरे वतन तू मेरा आखिरी हवाला है कि मेरी माँ ने तुझे मेरे साथ पाला है। शहीद मेरे शबो रोज़ तेरी अजमत के, शहीद मेरे शबो रोज़ तेरी अजमत के, मेरा लहू तेरी तकदीर का उजाला है। WTO को याद रखिए, WTO के अज़्म को याद रखिए और पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़िए। हमारा नारा है सदर जनाब गजनफर आवान साहब का, चेयरमैन जनाब आसिम अमीन साहब का नारा है दोस्तों आगे बढ़ो, आगे बढ़कर पाकिस्तान की इस कौम की खिदमत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह तबारक ताला हमें अपने फजीलतों से, रहमतों से नवाजेगा। जज़ाकल्ला। ऐसे जारी बात है, आज 14 अगस्त है, हमारे जश्न आज़ादी का दिन है और हमें ऐसे प्रोग्राम ज़रूर करने चाहिए क्योंकि जो रिलेटेड हमारे पाकिस्तान के फ्यूचर की या जो हम बैक पे हम देख चुके हैं इतनी कुर्बानियाँ दे के हमें ये मुल्क हासिल हुआ है तो हमें उन सब चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए और हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीब में जहां वेब टीवी ओनर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी वहीं नन्हे मुन्ने मेहमानों ने भी खसूसी शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगाए।